सुप्रीम कोर्ट तोहीन अदालत पान मुराद नोटिस केस में एमकेएम अगवान मुस्तफ़ा कमाल की तकड़ी माफी वाली सदारत कर छी। सेनेटर फैसल वावड़ा का एक हफ्ते में जवाब तलब। तोहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने 34 टीवी चैनल्स के शोकास नोटिस जारी। बिन हफ्तन में जवाब तलब कर वो। नोटिस केस की बुधनी दौरान मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावड़ा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस काजी फायजी सार मार्क्स ना तो पार्लियामेंट में अदलिया के हवाले से गालू थींदियूं रहंदियूं आहिन। असां इहो समझूं था त एक आईनी इदारो आहे कौम के एक काबिल एहतराम अदलिया और पार्लियामेंट घुर्जे। एक आईनी इदारो बे आईनी इदारे ते हमलो करे तो को फायदो ना है। बई आईनी इदारे ते तनकीद करण पार्लियामेंट के मेंबरन जो हक ना है। तोहीन आमेज मवाद नशर करण भी तोहीन में अचे तो। टीवी चैनल्स बिन हफ्तन में बुधायन उन्हें खिलाफ भी तोहीन अदालत की कार्रवाई छो न कई वे। अदालत केस की बुधनी 28 जून तीन मुलतवी कर छी। मुआफ़ी तो कंखा भी वटराए सकते थी को गुनाह ना है कयो पर मुआफ़ी लाए का गलती करण भी तो जरूरी है। जैसे मैं का गलती कई है तो कैमरा के सामू हथ बधी माफ़ी घुरंदस। मुख्य में को मसलो ना है। सेनेटर फैसल वावड़ा जो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बहरा मीडिया से गाल संदस चवण है तो जैसे मुनासिब समझन तो जजन खिलाफ रेफरेंस दाखिल कराइन। एमकेएम अगवान मुस्तफ़ा कमाल जो चवण है तो व्याज वे निज़ाम से मुल्क में खुशहाली नी अची सके। उन डी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन व्याज बाबत केस दहाँ ध्यान दियारो हो जैसे आला अदलिया का गैर मशरूत मुआफ़ी घुरी है। चीन की तरक्की असा सभी लाए एक बेहतरीन मिसाल है। चीन के शहर शेंजन थोड़े वक्त में तरक्की जो मंजिलू तय क्यों। कुछ ढहाका अगु शेंजन शहर मानों जो नंढो गोठ हो दुनिया के चीन की तरक्की में सीखण घुर्जे। आज पाकिस्तान की मईशत जो चीन से को मुकाबलो ना है। पाकिस्तान में सीड़पकारी में आसानी ला बिजनेस काउंसिल कायम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चीन के शहर शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब के खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन यात्रा शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब। वजीर आजम शरीफ नायब वजीर आजम और परदेही वजीर सागदार जो चवण है तो पाकिस्तान में ज़रात समेत मुख्तलिफ शोबन में सीड़पकारी जा मौका मौजूद हैं। SIFC सीड़पकारी की हौसला अफजाई लाए कदम खड़ी रही है। नाड़े वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो महंगाई पाकिस्तान जो सब का वो मसलो है। महंगाई की शरह में घटताई अची रही है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रस्ते से हली रही है। हलदड़ साल करंट अकाउंट खसारो 1 अरब डॉलर्स घट रहो। महंगाई की शरह 38 में घटी 11% तीन अची वही है। व्याज की शरह के मामले से असा के हलदड़ साल ऐसा पवो। हुकूमत इक्तिसादी सुधार की एजेंडा से ध्यान दई रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जी शेंजन में चीनी कंपनी तरानशियन होल्डिंग्स के बानी चेयरमैन जूजाओ जियांग से मुलाकात। चीनी कंपनी पारा पाकिस्तान में पंजा मोबाइल खाने के यूनिट में सीरपकारी में दिलचस्पी जो इजहार। चीनी कंपनी पारा मोबाइल फोन की तैयारी। इलेक्ट्रिक बाइक्स जदीद ज़रात फिनटेक में सीरपकारी में भी दिलचस्पी जो इजहार। वजीर आजम वफाकी वजीर के चीनी कंपनी से गर्जी हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कहते हैं तो हुकूमत परदेही सीरपकार कारोबारी शख्सियतों के सहूलतूँ फराहम कर रही है। पाकिस्तान हर किस्म जहाँ वसीला मौजूद हैं। असा वटे सब का वही ताकत असाज नौजवान अपराधी कुत है। अदालती रिपोर्टिंग से पाबंदी खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेस एसोसिएशन PFU जे दरख्वास्तुन ते बुधनी चीफ जस्टिस आमिर फारूक रिमार्क्स ना है तो अदालती रिपोर्टिंग ते का पाबंदी ना है। मीडिया अदालती कार्रवाई के रिपोर्ट करे सके थी। पाबंदी रिपोर्टिंग ते न पर गैर जिम्मेवारानी रिपोर्टिंग ते आहे। रुगो छिड़काइंदड़ खबर हलण ते मसलो थींदो आहे। अदालत इंदड़ बुधनी ते हतमी दलील तलब कंदे केस की बुधनी 11 जून ताईं मुलतवी करे छॾी। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह मीर माथिले के शहीद साफी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस की अदालती जांच जो हुक्म दे छोड़ो। वे वजीर सिंध जनरल्स काउंसिल की दरख्वास्त से सूबाई घरू वजीर के
अदालती कमीशन जोड़ने जो हिदायतों जारी कई। वरी वजीर पांजे हुक्म में है तो शहीद नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस की जांच लाए हाईकोर्ट के जज की सरब्राही में कमीशन जोड़ी वे। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान लाए 25 करोड़ डॉलर कर्ज दियण जी मंजूरी दे छड़ी। एशियाई तरक्याती बैंक तरफा मिलंदण रकम जरिए हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर में जटादार सिरपकारी में मदद लाए फराम कई वी। फंड्स में हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की खिदमतुन में मदद मिली। पंद्रह में जानाए वो है एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तानी हुकूमत के सुधारन में मदद कर रही है। एफआईए समाज अगवान सारम बर्नी के इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम हेठ गिरफ्तार कर वरतो। जरियन मुजिब अज सारम बर्नी जी अमेरिका का कराची एयरपोर्ट पहुंतो तो एफआईए की एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग टीम के हिरासत में वरतो। एफआईए अख्तियार मुजिब सारम बर्नी के अमरीकी हुकूमत की शिकायत से गिरफ्तार किया वो। मथस 25 का वधिक बारन के गैर कानूनी तरीके से अमरीका मोकलने का इल्ज़ाम है। भारतीय चूंडन में 400 सीटों हासिल करण जी दावा कंदण नरेंद्र मोदी के धचको वडी अक्सरियत माणे न सके। भारतीय जनता पार्टी सादी अक्सरियत का महरूम। बीजेपी के माजी में 303 सीटों की भेट में इन भेरे 240 सीटों मिली सकूं। 543 रुकनी लोकसभा में सादी अक्सरियत लाए 272 सीटों घुर्बल। बीजेपी के पेंजे गढ़ उत्तर प्रदेश में भी शिकस्त। बाबरी मस्जिद की जगह से राम मंदिर ठाहिंदण बीजेपी अयोध्या में हार मनी वरी। तमिलनाडु में भी मुकम्मल सफायो। महाराष्ट्र में राहुल गांधी जो इतिहाद एनडीए का अगते। ओलह बंगाल में भी ममता बैनर्जी छानियल। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पेंजी इस्तीफा सदर डां उमाणे छी। लोकसभा पार्लियामेंट टोड़ने की सिफारिश मोदी पारा 8 जून से टियों भेरियो। वजीर आजम के अहदे जो हलफ खण जो इम्कान।